हम इस चैप्टर में वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं और हमने अब तक मोस्टली एग्जाम की वेव्स के बारे में पढ़ा है, साउंड वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, और हम लोग ने लाइट वेव्स के बारे में पढ़ा है, वाट वेव्स के बारे में पढ़ा है। साउंड वेव्स के बारे में हमें मालूम है कि ट्यूनिंग वो एक ऐसा डिवाइस है जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है। इस फॉर्म में आप इसे देख सकते हैं कि हमारा जो ट्यूनिंग फोक है वो इस तरह से वेव्स प्रोड्यूस करता है कि वो कंप्रेशनल और रेयर फ्रैक्शन की सूरत में होती है। इसलिए हम कहते हैं कि ट्यूनिंग फोक से जो साउंड हमें सुनाई दे रही है या हम जो डिटेक्ट कर पा रहे हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। तो इसका मतलब है साउंड की प्रोडक्शन के लिए कोई ना कोई एक सोर्स चाहिए होता है साउंड की प्रोडक्शन के लिए, और कोई ना कोई एक ऐसा ऑब्जर्वर या एक ऐसा आपको डिवाइस चाहिए होता है या एक ऐसा डिटेक्टर चाहिए होता है जो आपकी इन साउंड वेव्स को डिटेक्ट कर सके जो सोर्स से प्रोड्यूस होती है। मुख्तलिफ एग्जाम की सिचुएशन होती हैं, किसी सिचुएशन में आपके पास ये हो रहा होता है कि आपका सोर्स जो है वो मूवमेंट शो कर रहा होता है और आपका ऑब्जर्वर एक जगह फिक्स हो जाता है। अब जब आपका सोर्स मूव करेगा तो इसकी दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो आपका सोर्स टूवर्ड्स योर ऑब्जर्वर मूव करें या आपके ऑब्जर्वर से परे जाए यानी कि अवे मूव करें, या एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आपका जो ऑब्जर्वर है वो एक जगह फिक्स कर वो जो है वो फिक्स ना किया जाए बल्कि आपका जो सोर्स है वो फिक्स कर दिया जाए और आपका ऑब्जर्वर जो है वो मूवमेंट शुरू कर दे। तो अब इस केस में क्या होता है कि आपका जो ऑब्जर्वर है वो या तो सोर्स की तरफ जाएगा या सोर्स से अवे जाएगा। इन सारी तरह की कंडीशंस में क्या होता है, अगर तो आपका सोर्स और ऑब्जर्वर फिक्स है तो होता इस तरह है कि अगर ये दोनों चीजें फिक्स हैं तो जितनी वेवलेंथ की वेव्स ये साउंड ये जो आपका सोर्स है वो इमिट करेगा एग्जैक्ट उतनी ही वेव की जो साउंड्स हैं वो ये ऑब्जर्वर डिटेक्ट करेगा। जैसे कि इस एनिमेशन से आप देख सकते हैं कि अगर ये आपका सोर्स है ये वेव्स इमिट कर रहा है और ये आपका ऑब्जर्वर है, ये दोनों ही अपनी पोजिशन पर फिक्स हैं, तो जितनी वेव्स लेंथ की ये वेव्स इमिट करेगा एग्जैक्ट उतनी ही वेव लेंथ की वेव्स की जो साउंड है ये ऑब्जर्वर आपका डिटेक्ट करेगा। चूंकि दोनों इस सिचुएशन में एक जगह फिक्स हैं, ये भी इस पॉइंट पे फिक्स है और ये भी इस पॉइंट पर फिक्स है, इट डजंट मैटर कि ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, हम बस ये समझना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ऑब्जर्वर भी फिक्स है और हमारा जो है वो सोर्स भी फिक्स है, और जितनी वेवलेंथ की सोर्स ये हमारा सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है साउंड उतनी ही वेवलेंथ की जो साउंड है हमारा ऑब्जर्वर है इस सिचुएशन में डिटेक्ट कर रहा है। लेकिन अब हमारे पास सिचुएशन दो अलहदा हो गई। हमने पहले सिचुएशन में ये कहा कि अगर हमारा जो है सोर्स मूवमेंट शो करे तो ये दो केसेस आ जाएंगे, या तो सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाए या सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर से अवे जाए। तो वो आप इस एनिमेशन से देख सकते हैं कि जैसे ये आपका ऑब्जर्वर है, ये आपका सोर्स है, हमने बोला कि सोर्स अगर मूवमेंट करे और ऑब्जर्वर को हम फिक्स कर दें तो दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो ये ऑब्जर्वर जो है ये जो सोर्स है वो आपके ऑब्जर्वर से दूर जाना शुरू कर दे, या एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ये ऑब्जर्वर ये जो आपका सोर्स है बजाय इस तरफ जाने के आपके सोर्स से दूर जाने आपके ऑब्जर्वर से दूर जाने के अगर ऑब्जर्वर की तरफ आ जाए तो भी आपकी वेवलेंथ जो है उसमें वो जो फ्रीक्वेंसी है उसमें तब्दीली आना शुरू हो जाती है, वेवलेंथ में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। तो ये मुख्तलिफ एग्जाम के केसेस हैं जिन्हें हम लोग डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं, यानी कि ये डॉपलर्स इफेक्ट होते हैं कि आप अगर आपका सोर्स जो है सोर्स मूवमेंट करेगा ऑब्जर्वर की तरफ तो हमेशा वेवलेंथ में चेंज आएगी, जो वेवलेंथ है वो चेंज होती जाएगी, ये चेंज है ये वेरिएबल होगी। लेकिन आपकी इस सिचुएशन में जो है जो स्पीड होगी साउंड की स्पीड वो कांस्टेंट रहेगी, स्पीड कांस्टेंट होगी लेकिन आपकी जो लैम्डा है जो वेवलेंथ है अगर आपका सोर्स मूव करे तो वो चेंज होगी, और अगर आपका ऑब्जर्वर जो है वो मूवमेंट शो करे और सोर्स जो है वो फिक्स कर दिया जाए तो इस सिचुएशन में आपका जो लैम्डा होता है ये कांस्टेंट हो जाता है और आपकी जो वी एंड एफ है ये दोनों वेरी करती हैं, दोनों आप चेंज करना शुरू कर देते हैं यानी कि ये कांस्टेंट नहीं रहती। तो ये डिफरेंट केसेस हो जाते हैं, जैसे कि इस सिचुएशन में अगर आपका ऑब्जर्वर जो सोर्स है वो मूव करेगा तो आपकी जो वेवलेंथ है वो चेंज होगी, लेकिन अगर इस सिचुएशन की बात की जाए कि जब आपका सोर्स मूव करे आपके ऑब्जर्वर की तरफ या आपके ऑब्जर्वर जो आपका ऑब्जर्वर है वो मूवमेंट करे आपके सोर्स की तरफ या आपके सोर्स से अवे जाए तो इस सिचुएशन में इसकी स्पीड और इसकी फ्रिक्वेंसी पर इफेक्ट पड़ता है, इसकी वेवलेंथ चेंज नहीं होती। जैसे कि इस एनिमेशन में आपका जो सोर्स है वो अवे जा रहा है
तो जो वेवलेंथ है उसमें डिक्रीज आ रहा है, वेवलेंथ यहाँ से इंक्रीज करती चली जा रही है और यहाँ से डिक्रीज, यानी कि वेवलेंथ में चेंज आया है। और हमने यही बात की है कि जब आपका सोर्स मूवमेंट करता है तो आपकी वेवलेंथ जो है वो चेंज होती है, वो वेरिएबल होती है, वो कॉन्स्टेंट नहीं रहती, जबकि आपकी जो स्पीड है और आपकी फ्रिक्वेंसी है वो कॉन्स्टेंट रह जा, जो स्पीड है वो कॉन्स्टेंट रह जाती है और आपकी फ्रिक्वेंसी भी वेरी करती है, लेकिन आपकी जो वेवलेंथ है वो तो चेंज होनी ही होनी है। बस इस सिचुएशन में आपके पास एक चीज कॉन्स्टेंट रह जाती है जो कि आपकी स्पीड है। जैसे कि इस सिचुएशन में अगर यहाँ पर सोर्स होता और आप इसकी तरफ मूवमेंट कर रहे होते तो वेवलेंथ में कोई फर्क नहीं आना था, एग्जैक्ट वेवलेंथ ही आपको सुनाई देनी थी, वेवलेंथ कांस्टेंट रहनी थी जैसे कि इस सिचुएशन में। लेकिन जैसे ही आप इसकी तरफ मूवमेंट शुरू करते हैं या इससे अवे जाते तो आपकी स्पीड पे इफेक्ट होना था, आपकी वेवलेंथ पे इफेक्ट नहीं होना था, क्योंकि जब सोर्स जो है वो कांस्टेंट हो, अपनी जगह पे फिक्स हो जो सोर्स है और ऑब्जर्वर उसकी तरफ मूवमेंट कर रहा हो तो उसकी सिर्फ स्पीड में इंक्रीज होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, जबकि वेवलेंथ जितनी वेवलेंथ ये सोर्स एक जगह पे फिक्स होके इमिट कर रहा है, जितनी वेवलेंथ की ये वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है साउंड वेव्स, उतनी ही वेवलेंथ की साउंड वेव्स यहाँ पर मौजूद एक ऑब्जर्वर जो है डिटेक्ट कर रहा है। अगर वो ऑब्जर्वर यहाँ से यहाँ पर होने के बजाय इसके नज़दीक आना शुरू हो जाए तो भी इतनी ही वेवलेंथ की वेव्स वो डिटेक्ट करेगा, सिर्फ उसकी स्पीड पर फर्क पड़ेगा। तो इस चीज को हम लोग डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। डॉपलर इफेक्ट का पहला केस तो ये हो जाता है कि आपका सोर्स और आपका ऑब्जर्वर दोनों फिक्स हो। अगर आपका सोर्स और आपका ऑब्जर्वर दोनों ही फिक्स हैं, जैसे कि इस सिचुएशन में आप यूं देख लीजिए, ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, तो जितनी वेवलेंथ की वेव्स इस सोर्स ने इमिट की हैं, लेट्स से आप कह लीजिए कि वो लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 मीटर है, ये 2 मीटर की वेवलेंथ इसने इमिट की है, तो आपका जो ऑब्जर्वर है उसने भी 2 मीटर की वेवलेंथ डिटेक्ट कर ली है। अब इसने मजीद एक 2 मीटर की वेवलेंथ जो है इमिट की है, तो इसने भी मजीद एक 2 मीटर की वेवलेंथ जो है डिटेक्ट कर ली है, और इस सिचुएशन में ये दोनों फिक्स हैं और इनके दरमियान जो फासला है वो तकरीबन मान लीजिए कि 50 मीटर्स है। अब हम इसका पहला केस जो है डिस्क्राइब करते हैं कि अगर मैं सोर्स को फिक्स कर दूं, पहला नहीं बल्कि मैं इसका एक केस ले लेती हूँ कि जिसमें मैं ऐसा करती हूँ कि मैं सोर्स को फिक्स कर देती हूँ, ये हमारा सोर्स जो है वो स्टेशनरी हो गया। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि हम लोगों ने जो सोर्स है उसे कह दिया है कि ये हमारा स्टेशनरी है। इस चीज़ को, इस पूरे के पूरे फिनोमेना को हम लोग डॉपलर इफेक्ट करते हैं, इफेक्ट कहते हैं, जिसमें जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है उसमें इंक्रीज या डिक्रीज होता है। जैसे कि ये हमने अपना सोर्स एक जगह फिक्स कर दिया, ये स्टेशनरी है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हमारा ऑब्जर्वर जो यहाँ पर था इस पोजिशन पर था, अब वो इस सोर्स से अवे जाना शुरू कर देता है। फर्ज कर लीजिए कि ये जो आपका सोर्स है इसे मान लीजिए कि ये एक कार है, कार जो है वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रही है इन द फॉर्म ऑफ हॉर्न्स, जो जब हॉर्न बजाया जाता है कार का तो उसमें से साउंड वेव्स जो है इमिट होती हैं, और आपको मालूम है कि जो साउंड वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की सूरत में ट्रैवल करती हैं एयर में, यानी कि एयर उनके लिए मीडियम होता है। और अगर आप यहाँ पर खड़े हैं एक ही जगह पर फिक्स हैं तो आपको एक ही तरह की आवाज़ जो है सुनाई देती जाएगी जिस तरह से ये इमिट करेगा, लेकिन अगर आप ये करना शुरू करें कि आपको इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट करे, आप इसकी आवाज़ से तंग आ जाएं और आप दूर जाना शुरू कर दें, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको इसकी आवाज़ में कमी महसूस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आप इस सोर्स से दूर चले गए हैं। जब आप दूर जाना शुरू हो जाते हैं, ये आपकी डेली लाइफ में बल्कि ये फिनोमेना ऑकर होता है कि अगर कोई कार है वो साउंड इमिट कर रही है, या कोई ट्रेन है या कोई प्लेन है, आप किसी एयरपोर्ट पे हैं तो आप उससे दूर चले जाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको उसकी आवाज़ में कमी महसूस होना शुरू हो जाती है। यही चीज़ हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं कि ये वो आपका सोर्स था जिसने जो है वो वेवलेंथ, हमने मान लिया है कि जब हमारा जो सोर्स है वो साउंड वेव इमिट करे और वो स्टेशनरी हो, हमेशा सोर्स ही इमिट करेगा ये तो ऑब्वियसली बात है, लेकिन अगर आपका सोर्स जो है वो स्टेशनरी है तो आपकी जो लैम्डा है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। इसका मतलब है यहाँ पर जो हमारा सोर्स है वो तकरीबन फर्ज कर लीजिए कि 2 मीटर की वेवलेंथ ही इमिट कर रहा है, फर्ज कर लेते हैं, और अब हमारा जो ऑब्जर्वर है इस पोजीशन से 50 मीटर जो डिस्टेंस था उससे ज़्यादा डिस्टेंस पर चले गया, फर्ज कर लीजिए कि अब ऑब्जर्वर जो है वो 60 मीटर की जो फासले पर चले गया, अब हमारा ऑब्जर्वर इस पोजीशन पर आ गया, इस पोजीशन से हट गया, तो अब उसके और हमारे सोर्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और जितनी वेव की साउंड वेव, जितनी वेवलेंथ की साउंड वेव्स इस सोर्स ने डिटेक्ट जो है इमिट की है, उतनी ही एग्जैक्ट उतनी ही वेवलेंथ की जो साउंड वेव हैं हमारे इस सोर्स ने जो है वो हेयर की है, सुन ली है,
इसने फिर एक और साउंड वेव जो है इमिट की है और इसने एक और साउंड वेव डिटेक्ट कर ली है और दोनों की जो वेवलेंथ है वो बिल्कुल कांस्टेंट है जो कि 2 मीटर है यानी कि 2 मीटर है। फर्स्ट कर लीजिए कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो तकरीबन 5 हर्ट्ज़ थी। जब ये दूर चले गए तो इसकी फ्रीक्वेंसी में कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा जो हमें मालूम करना है। हमें ये तो मालूम है कि इसकी जो स्पीड थी जब ये अपनी फर्स्ट पोजिशन ए पे था तो इसकी कोई ना कोई स्पीड वी होगी, लेकिन चूंकि अब ये अपनी पोजिशन बी पे चले गया है, ये बी पर चले गया है, अपनी पहली पोजिशन से काफी दूर चले गया है, तो इसकी जो स्पीड है उसमें जो है वो कमी हुई होगी, जिसे मैं यूं लिख सकती हूँ कि हमारा जो वी डैश है सिचुएशन में वो पहली स्पीड में से ऑब्जर्वर की जो नई स्पीड है उसे माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास कमी निकलेगी कि अब इसकी स्पीड में कितनी कमी हुई है। तो अब मैं अगर इस ऑब्जर्वर के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करना चाहूँ, जैसे कि आप अगर थोड़ा दूर चले जाएं और वहाँ जाकर आप फ्रीक्वेंसी मालूम करनी चाहें अपनी जो साउंड वेव्स की कि अब आपको कार के हॉर्न्स की कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है इस पोजीशन ए पर 60 मीटर्स पर आकर, तो आप आसानी से उसे बता सकते हैं चूँकि आपके पास ये रिलेशनशिप है वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, जिसके मुताबिक अगर लैम्डा हमारा कॉन्स्टेंट है तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होना चाहिए एफ के। अगर हमारी जो है हमारी स्पीड उसमें कमी हो रही है दूर जाने की वजह से, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारी जो नई फ्रीक्वेंसी आई है, जो नई फ्रीक्वेंसी आई होगी पॉइंट बी पर जाने से, उसमें भी कुछ ना कुछ कमी तो हुई होगी, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा हमारा सिचुएशन ए है। और जब हम थोड़ा सा दूर चले जाते हैं पॉइंट बी पर तो हमारी जो वी है वो वी डैश हो जाती है, एफ है एफ डैश हो जाती है और लैम्डा जो है वो लैम्डा ही रहता है, क्योंकि इस सिचुएशन पे हमारा लैम्डा सेम है। हमने लैम्डा को शुरू में ही कह दिया कि लैम्डा हमारा कांस्टेंट रहेगा जब हमारा जो है सोर्स अपनी जगह पर फिक्स रहे और ऑब्जर्वर उसकी तरफ या उससे दूर मूवमेंट शो करे, तो हमारी जो लैम्डा है वो सेम रहेगी, जबकि हमारी जो स्पीड और फ्रीक्वेंसी है सिर्फ इसमें चेंज आएगा। हमें मालूम है कि जो हमारी नई स्पीड है उसमें हमने कहा कि कमी हो रही है, जिसे हमने v माइनस u नॉट से जाहिर किया है। u मतलब नई स्पीड और o का मतलब ऑब्जर्वर की नई स्पीड है और f डैश का मतलब है f डैश, चूंकि हमें ये मालूम करनी है कि हमारी स्पीड फ्रीक्वेंसी में कितना इजाफा हुआ है। हमें पॉइंट b पर जाकर जो साउंड वेव्स महसूस हो रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में अब कितनी कमी आई है, और लैम्डा को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ कि मुझे मालूम है कि v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अगर मुझे लैम्डा के लिए एक्सप्रेशन लिखना हो तो मैं v डिवाइडेड बाय f आसानी से लिख सकती हूँ। अब अगर मुझे इस सिचुएशन में नीचे जाकर यूँ लिखना पड़े कि लैम्डा की जगह अगर अब मैं ऐसे लिख लूँ v डिवाइडेड बाय f और यहाँ पर f डैश v माइनस u नॉट, अब अगर मुझे नई फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो मुझे उसे आसानी से इस तरह लिखना चाहिए कि f डैश इज इक्वल्स टू v माइनस u नॉट डिवाइडेड बाय v इंटू एफ। ये हमारा वो एक्सप्रेशन है जिससे हम अपनी जो नई फ्रीक्वेंसी है, जो नई साउंड की फ्रीक्वेंसी है दूर जाने से सोर्स से, उसे उसमें जो कमी हुई है उसे आसानी से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि उसमें होगी कमी ही, वो कभी भी इजाफा नहीं हो सकता। और इसे हम इस बात से बता सकते हैं कि अगर फर्ज कर लीजिए कि आपकी जो स्पीड है वो 2 मीटर है और दूर जाकर जो आपको साउंड सुनाई दी है उसमें चूँकि अब कुछ ना कुछ कमी हुई होगी, चूंकि आप दूर चले गए हैं तो अब तो आपको स्पीड जो है वो साउंड की काफ़ी कम सुनाई दे रही होगी। फर्ज कर लेते हैं कि वो 1 मीटर है, तो 2 माइनस 1 जो है 1 और नीचे भी आपका 2 है, तो जब न्यूमिरेटर आपका हमेशा छोटा हो और डिनोमिरेटर बड़ा हो यानी कि ऊपर आपका आंसर 1 आ जाएगा और नीचे 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इसका मतलब है कि आपका डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है और न्यूमिरेटर छोटा, और जब ऐसी सिचुएशन हो तो आंसर हमेशा लेस देन 1 आता है। इस सिचुएशन में मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा v माइनस u नॉट डिवाइडेड बाई v हर हाल में लेस देन 1 आएगा। जब ये लेस देन 1 है तो इसका मतलब है कि जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है, जो हमारी नई फ्रीक्वेंसी आएगी, वो हमेशा लेस देन जो हमारी इनिशियल फ्रीक्वेंसी है उससे हमेशा कम होगी। तो इस चीज़ को हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी कर सकते हैं अगर आप इनकी जगह वैल्यूज निकाल लगा लें, क्योंकि आपको मालूम है इसका आंसर पॉइंट्स में आएगा, और इसे चाहे आप पहली वाली फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी कर लें तो ये हमेशा जो है आपकी नई फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा ही आंसर निकलेगा। तो इसका मतलब है कि आपकी जो बाद वाली फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा कम हो जाती है। और अगर आप इसे बाकायदा देखें भी रेलवे स्टेशन पे जाकर या किसी कार के करीब कार से दूर जाके देखें, अगर किसी रेलवे स्टेशन पे आप गए हैं तो आपको मालूम है कि वहाँ पर अगर जो है रेलगाड़ी जो है वो खड़ी होकर जो है ट्रेन वो साउंड इमिट कर रही है, विसल कर रही है, और आप उससे दूर जाते हैं, स्टेशन से दूर जाना
करना शुरू हो जाएं, रेलवे स्टेशन से बाहर निकलना शुरू हो जाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो साउंड है वो कम सुनाई देगी। और इसी तरह इसका मतलब है कि साउंड की स्पीड में कमी हो रही है तो उसकी फ्रिक्वेंसी में भी डेफिनेटली कमी ही होती है, जो कि इनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो ये इसके केसेस थे कि जो है अगर आपका सोर्स जो है वो कॉन्स्टेंट कर दिया जाए, जगह फिक्स कर दिया जाए, वेवलेंथ को कॉन्स्टेंट मान लिया जाए, तो आपका जो ऑब्जर्वर है वो स्पीड में कमी या इजाफा महसूस करता है जब वो ऑब्जर्वर की तरफ या उससे दूर जाता है। ये इसका पहला केस था। और अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम इसका दूसरा केस डिस्कस करेंगे कि जब हमारा ऑब्जर्वर जो है वो हमारे सोर्स की तरफ जाना शुरू कर दे तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है।